यूट्यूब चैनल। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ वाई वाई नूडल्स, जो कि अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, पर यूट्यूब पे ना बहुत सारे रिव्यू आ रहे थे इसके, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो ये तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ इसका रिव्यू। तो ये वाई वाई रेडी टू ईट नूडल्स हैं, इनको ऐसे भी खा सकते हैं कच्चा, क्योंकि मैगी नहीं खा सकते थोड़ा बहुत। तो इसको हम तीन में खा सकते हैं, मंच इट, सूप इट, लंच इट। तो हम तो इसको एक ही में खाएंगे, कुक करके जैसे नॉर्मल मैगी बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पैक के अंदर क्या है। तो जैसे कि मुझे ये तीन सेट्स मिले हैं इसके साथ, और ये मैगी वाई वाई नूडल्स। चलिए मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। अच्छा है, इसमें मसाला पहले से लगा हुआ है। चलो अब बहुत खा लिया, अब इसको हम बनाते हैं, ठीक है? चलिए। तो अब मैं प्याज टमाटर ले आई हूँ, फटाफट इसको काट लेती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्या पता मुझे भाई भाई पसंद आ जाए। भाई करने में क्या जाता है यार, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नई चीज़ों को कैसे यूज़ करोगे, यूज़ क्या करोगे, खाओगे? तो चलिए फटाक से अपने टमाटर काट लेते हैं। तो हमने अपना पैन चढ़ा दिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इतना कि बस आपकी प्याज और टमाटर होते हैं, ज़्यादा ऑयल करने की जरूरत नहीं है। ऑयल हो जाता है ना प्याज, वैसे भी हमारी भाई भी फ्राइड है समथिंग, तभी तो फिर चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, अपना प्याज डाल देंगे। तो मैंने सोचा लास्ट में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेती, क्या पता कि अच्छा ना लगे। एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो, मैगी बाबू। तो चलिए मैं इसको सर्व कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी वाई वाई बन के तैयार है, यार दिख तो अच्छी रही है। तो ये हमारी वाई वाई तैयार है, वाई वाई। देखा है ना, अच्छी है यार, पर मैगी की तरह नहीं है, पर इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मुझे तो बहुत टेस्टी लगी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेते आऊँ। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।